भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल जो भी मेरे सामने आएगा वो मार दिया जाएगा। हाँ। तो फिर उनको मारने का उपाय सोचा गया ना। तो आप तो राजनीतिक विश्लेषक है अजय आलोक, थोड़ा सा बताइए ना, आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा उम्मीदवार हो सकता है मोदी के सामने? तो ये सब जो जितने वास्ट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो जो टीवी चैनल पे आप लोग दिखा रहे हैं एक के बाद एक करके, तो एक परसेप्शन जाता है देश में, देश मूर्ख नहीं है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, आइए सुनते हैं ऐसी बातें जो देश की आजादी के 70 सालों बाद एक नई हिस्ट्री बना गई है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे वीडियो को रीच मिले, वायरल हो सके। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए प्रियंका गांधी, अगर आप कह रहे हैं राष्ट्र और धर्म पर चुनाव होगा बीजेपी और वर्सेस विपक्ष, कह रहा कांग्रेस, तो उसमें अजय आलोक कह रहे हैं कमजोर पड़ जाएगी। मैं अजय आलोक जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो सब दल मिलकर के जो बात कर रहे हैं कि इन दलों में एका होना मुश्किल है, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर दल मिल जाते हैं तो देश की जनता वोट उधर हो जाता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, देखा था हमने, ऐसा होता तो 2019 में अखिलेश यादव जी और मायावती जी मिले, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अगर ऐसा होता तो बिहार का भी आप नतीजा देख रहे हैं, उसमें भी सब जो कास्ट को लगाते थे, कास्ट का जो गणित लगाते थे लोग, वो बैठ करके टेलीविजन स्टूडियो में कहते थे 20% ये, 10% ये, हो गया जी 40%, हाँ वो बन जाएंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री। दूसरी बात, ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, ये विशेष और विचित्र परिस्थिति है देश के सामने। यहाँ तो ऐसा कोई मतलब ऐसा दाव खेलना पड़ेगा जो अरे भाई सरप्राइज कर दे, मतलब अरे भाई एक्स फैक्टर वाला कोई दाव खेलना पड़ेगा। महाभारत में जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल जो भी मेरे सामने आएगा वो मार दिया जाएगा। हाँ। तो फिर उनको मारने का उपाय सोचा गया ना। तो भगवान सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2024 का चुनाव राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पे होगा, ये अगर आचार्य जी मान रहे हैं तो कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की काट कहां से करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पे ये कहते हैं कि ये तो नकली राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व के नाम पे कहते हैं मुसलमान पहली पार्टी है। इनके अपने अपने स्टेटमेंट हर चुनाव में हर मुर्दे को जिंदा किया जाता है, मानव जी चुनाव में हर मुर्दे जिंदा होंगे ना, तो काउंटर नैरेटिव क्या लाएंगे? अब मुझे एक चीज ही समझ में आती है कि भाई नीतीश जी के बारे में बोला क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, ठीक है इधर से उधर, उधर से इधर जंपिंग जैक हो रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन सीबीआई रेड किसी पे पड़ती है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाता है, ये भी इस देश में हो सकता है, ये अद्भुत है, किसी राजनीतिक दल के यहां सीबीआई रेड पड़ी वो प्रधानमंत्री पद का नेता हो गया, ठीक है। तो ये सब जो जितने वास्ट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो जो टीवी चैनल पे आप लोग दिखा रहे हैं एक के बाद एक करके, तो एक परसेप्शन जाता है देश में, देश मूर्ख नहीं है आपकी। तो अच्छा, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है अजय आलोक, तो थोड़ा सा बताइए ना, आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा उम्मीदवार हो सकता है मोदी के सामने? अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। अवधारणा जाती है कि स्टेबिलिटी किधर, आपको याद होगा 90s के जमाने में कांग्रेस बोलती थी कि स्टेबिलिटी सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, और लोग उस बात को मानते थे कि कांग्रेस स्टेबिलिटी देती है। बाद में फिर नारा आया कोलिशन, कोलिशन वाजपेयी जी चला सकते हैं, लोगों को लगा कि हाँ वाजपेयी जी चला सकते हैं। आज की तारीख में ये तीनों फैक्टर कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी क्रेडिबिलिटी और आपकी छवि परसेप्शन आपकी वो क्या है जनता के बीच में, क्या पॉपुलैरिटी, मैं छवि कहूंगा पॉपुलैरिटी भी नहीं कहूंगा, उसको पॉपुलर तो अपने अपने जगह पे सारे छत्रप हैं, कौन पॉपुलर नहीं है, तभी तो सरकार बना के रखी हुई अलग अलग स्टेट्स में। मैं कहूं परसेप्शन क्या है आपकी? तो अच्छा, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है अजय आलोक, तो थोड़ा सा बताइए ना, आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा उम्मीदवार हो सकता है मोदी के सामने? मोदी के सामने एक ही उपाय है, कोई पहली बात की किसी को उम्मीदवार ये लोग बनाने से रहे, ये आप लिख के ले लीजिए, कोई उम्मीदवार घोषित उचित नहीं होने जा रहा है, बहुत होगा तो एक थर्ड फ्रंट बनेगा माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी, जिसकी अगुवाई शरद पवार कर सकते हैं, उसमें अखिलेश शरद पवार नीतीश लालू वाईएसआर ये लोग जुट सकते हैं, लेकिन उनका फायदा क्या होगा? सबका असर अपने अपने स्टेट में ही है, कोई दूसरे स्टेट में जाके अपना इफेक्ट नहीं कर सकता है। अब उसके बाद होगी बार्गेनिंग, बाई चांस अगर बीजेपी को 272 अपने बूथ से नहीं आता है, जिसकी संभावना न के बराबर है आज की तारीख में, अगर बाई चांस ऐसा होता है तो ये थर्ड फ्रंट अगर कांग्रेस से ज्यादा हो गया तो कांग्रेस को कहेगा कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बनाओ, आप सपोर्ट समर्थन दो हमें, कांग्रेस फिर समर्थन देगी, फिर गिरा देगी साल भर में, जो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। अगर कांग्रेस की अगर सीट 150 से ऊपर हो गई तो कांग्रेस कहेगी नहीं आप समर्थन दीजिए, तो इनको देना पड़ेगा, तो खिचड़ी सरकार के लिए देश तैयार नहीं होगा। ओके
अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।